इसका यूज्ड टू, यूज्ड टू का मतलब होता है ये आदत दिखाता है। क्या कैसी आदत? आदत में भी कैसी आदत? ये यूज्ड टू जो मॉडल ऑक्सिलरी है ये आदत व्यक्त करने के लिए प्रयोग किया जाता है पास्ट टेंस में। किसमें? पास्ट टेंस में आदत व्यक्त करने के लिए यूज्ड टू का प्रयोग किया जाता है। लेकिन यूज्ड टू का प्रयोग करते समय यह सावधानी बरतनी है कि ऐसी आदत के लिए होगा जो पहले होती थी और अब नहीं होती। ऐसी आदत नहीं होगी जो पहले भी थी और अब भी हो रही है। जैसे यदि कोई ये कहे कि मैं सिगरेट पिया करता था, अब नहीं पीता, उसका मतलब ये निकलेगा क्या कि मैं पिया करता था, मैं फुटबॉल खेला करता था, मैं क्रिकेट खेला करता था, मैं रोज टहलने जाया करता, यानी अब नहीं आता। यदि अब भी जाते हैं तब नहीं होगा उसमें यूज टू का प्रयोग। इसका मतलब जाया करता था का मतलब है कि ऐसी आदत जो पहले होती थी अब नहीं होती, वहां पर यूज टू का प्रयोग किया जाता है। जैसे आई यूज टू प्ले क्रिकेट, आई यूज टू प्ले क्रिकेट, मैं क्रिकेट खेला करता था, अब मैं नहीं खेलता। मान लो अब भी होता है तब, कभी ऐसे हाँ खेला करता था, ये तो एक वो हो गया प्रतीक मान सकते हो कि खेला करता था, टहला करता था, सोया करता था, जाया करता था, तो ये यूज टू के अर्थ में आ रहा है। लेकिन यदि ये कहना हो कि मैं आजकल क्रिकेट खेला करता हूं या आजकल मैं सिगरेट पिया करता हूं, अब इसमें क्या हो जाएगा? तो ये प्रेजेंट टेंस की बात हो गई, अब इसमें पास्ट टेंस की बात नहीं हो रही। हमने कहा कि पास्ट टेंस की आदत बताएगा यूज टू, और प्रेजेंट टेंस की आदत बताने के लिए इज एकस्टम्ड टू का प्रयोग किया जाता है। इसका इज एकस्टम्ड टू, इज एकस्टम्ड टू आदती होना, ठीक है। इसका मतलब ये प्रेजेंट टेंस का एक अलग से एक कहो कि विशेष वर्ड या फ्रेज तैयार कर दिया गया प्रेजेंट टेंस में आदत बताने के लिए। हाँ तो अलग अलग, अभी इज का मतलब क्या हो गया? इज एम आर, ये इज आया मतलब क्या? जिसके साथ लगता है उसी के साथ लगेगा, कोई के साथ लगा दोगे, कहीं बैठा देंगे। समझ में आ गई बात ना? ये यूज टू ध्यान दो बस, और इज ए कस्टम टू तो प्रेजेंट टेंस में, यहां लिख सकते हो वर्तमान काल की आदत, वर्तमान काल में आदत, और ये क्या होगा? ये भूतकाल की आदत। यानी भूतकाल की आदत यूज टू और वर्तमान काल की आदत इज ए कस्टम टू।